आपने अपने भाषण में ये कहा था कि पिछले 50 साल में 1,08,505 किलोमीटर की हमारे देश में लाइनें हैं, ट्रैक्स। उसमें 1950 में 53,596 किलोमीटर की लाइनें बिछाई गई और 2008 में यानी 58 वर्ष में 53 से लेकर 64,000 यानी प्रतिवर्ष 180 किलोमीटर की लाइनें बिछाई गई। टोटल लाइनें बिछाई गई 50 साल में 58 साल में 10,419 और आपने टारगेट रखा है 25,000 किलोमीटर का। अवास्तविक है, ये सारा बजट अवास्तविक बनता जा रहा है। 4 साल में नहीं होगा, प्रतिवर्ष 58 साल में जो 180 किलोमीटर हुआ प्रतिवर्ष, वो प्रतिवर्ष 2500 किलोमीटर हुआ हिसाब, जहां तक मेरा मैथ है, मुझे गणित थोड़ी ये बहुत आती है। हो जाएगा तो खुशी की बात है, दीदी दीदी कहती कि हो जाएगा। कृपया आपस में बातचीत नहीं। और आपको तो खुश होना चाहिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। माननीय सदस्य बड़ी चाहिए और मैंने माननीय सदस्य आसन की तरफ देखकर बोले उधर नहीं करना है, उधर से हमारे थोड़ी मेरी सबसे दोस्ती है ना, इसलिए थोड़ा चलता है। 2500 डील नहीं करता मैं व्यापारी नहीं हूँ, डील नहीं करता हूँ, दिलों का रिश्ता रखता हूँ, दोस्ती करता हूँ, डील करना मेरा काम नहीं है। तो 2500 किलोमीटर प्रतिवर्ष असंभव है। एक दूसरी वित्तीय व्यवस्था मेरे ध्यान में आई, वो आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। उनको तो मैं कह नहीं सकता जो गैलरी में बैठे हैं। आपने पेज 23 पिछले बजट के पैरा 97 में टोटल रिसीप्ट ऑफ इनकम, जो आपकी इनकम आई, वो जो यू आर एक्सपेक्टिंग दी टोटल रिसीप्ट फॉर 2010-11 दैट इज 94,000। कृपया समाप्त करें। अरे फर्स्ट स्पीकर हूं मैं, 2 घंटे का समय मेरी पार्टी को है, 2 आवर्स, बाकी जो हम पूरा कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट पूरा कर दूंगा, मगर जो जरूरी चाहिए वो तो रखूं, बाकी मांग में टेबल कर दूंगा। ये सारी क्योंकि ये किसी के ध्यान में नहीं आया, पिछली बार भी मुझे मौका नहीं मिला और सारा बजट ऐसा चला गया। और ये सारी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं जिसका ध्यान आकर्षित संसद का करना जरूरी है, क्योंकि वहां गलतियां हैं मेरे हिसाब से, या तो वो सुधारे। मैं विषय वो बजट पर बोल रहा हूं, वो गांव अपने विस्तारों की डिमांड पर बोलना वो अलग बात होती है, विषय पर बोलना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई एम टॉकिंग ऑन द रेलवे बजट, अपने इफ इज नॉट एक्सेप्टेबल देन आई एम सॉरी, वरना मैं समझता हूं कि मुझे वही कहना चाहिए कि जो कि रेल बजट से संबंधित है। बाकी ये दरवाजा खोल दो, फाटक खोल दो, ब्रिज बना दो, गार्डनर, ये तो सब बोलेंगे। नहीं मैं दो तीन, ये आखिरी बात है जो वित्तीय से संबंध रखती है, और हम सबका कर्तव्य है कि वित्तीय बाबतों में, फाइनेंस में हम देखें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अगर मेरी गलती है तो मैं मानने को तैयार हूं। मैंने जो पढ़ा पिछले बजट में 94,765 दैट इज द टोटल डिस्ट्रिक्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर विच यू हैव शोन इन योर बजट ऑन पेज 23 87,100। सो द टोटल डिफरेंस प्लस सरप्लस इज 7,665। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव रिटन इन योर बजट स्पीच दैट द सरप्लस वुड बी 9,782। मे बी ए स्मॉल मिस्टेक, but this should be brought to the notice of the house. If it is correct, you may correct it. It is recorded and it is, I am quoting the page number 23. usme aapne 9782 crore rupiya bataya ki
हमारे पास सरप्लस रहेगा, जबकि दोनों आंकड़ों को मिलाओ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर तो वो बनता है 7,600%। मैं सिर्फ इसी दो चार बातों पर ध्यान रख करके सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि रेल में सुधार की आवश्यकता, आप खूब आगे बढ़ो, व्यक्तिगत तौर पर मेरी इच्छा है पश्चिम बंगाल में, मगर फुल फ्लेज व्यक्तिगत तौर पर फुल फ्लेज रेल मंत्री का दिल्ली में रहना अत्यंत आवश्यक है। वो रहेंगे मुझे विश्वास है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि पूरा समय दे करके जो सभी सांसद अपनी बात को रखेंगे